हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय सेल विवेकानंद फ्रॉम अल्फा प्लस बेटा टुडे वी शिल टॉक अबाउट फंक्शंस और ये लेक्चर हर उस बच्चे के लिए हर उस स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाला है जो नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा है फॉर एग्जांपल नेट गेट आई टी जैम मैथ्स आई टी जैम स्टैट्स टी आई एफ आर एन बी एच एम आई एस आई डी एम एस सी सी एम आई जे एन यू वट एवर जिसमें भी आप नेशनल जो भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अगर उसमें मैथमेटिक्स आता है तो ऐसा क्या है भाई इस टॉपिक में देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको रियल uh, एनालिसिस में लिमिट कॉन्टीन्यूटी डेरिवेबिलिटी होते हैं जिसमें फंक्शंस होते हैं थोरोली पूरी तरह फंक्शंस पढ़ते हैं आप वन वेरिएबल में भी टू वेरिएबल में भी उसके बाद ग्रुप थ्योरी अगर मैथ्स के पेपर की बात करूँ तो ग्रुप थ्योरी में वी हैव ग्रुप होमोमॉर्फिजम्स ऑटोमोफिजम्स रिंग थ्योरी वी विल हैव रिंग होमोमॉर्फिजम्स ऑटोमोफिजम्स और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के बच्चे बेटा आप पी पढ़ते हैं पी PM, एम पढ़ते हैं एम पढ़ते हैं सब क्या है सब फंक्शनस ही तो हैं कमिंग बैक टू मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव किसका करते हो जाहिर सी बात है फंक्शंस का है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो करते हैं फंक्शंस के ही करते हैं और न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हाइट्रेशन वगैरह बनाते हैं वो फंक्शन तो बेटा आप फंक्शन से बच नहीं सकते अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जिस तरह आपकी बॉडी में हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन है बिल्कुल उसी तरह पूरे मैथमेटिक्स में फंक्शंस फैला हुआ है बिना इसके लाइफ ही नहीं है इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको लाइफ में भी जीवन में भी रियल लाइफ में भी बेहतर इंसान बनने में बहुत मदद करेगा तो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम लेट मी स्टार्ट द टॉपिक आइए इंट्रोडक्शन टू फंक्शन बेसिक टू एडवांस है तीन से पाँच क्लासेज मिल जाएंगी आपको बेटा बेसिक फिर एडवांस फिर एडवांस वो बढ़ता चला जाएगा लेकिन शुरू बिल्कुल करना ही पड़ेगा आपको ठीक से देखिए यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ इसको अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो आप ना nah, हेडिंग डाल सकते हैं नोट्स एंड ऑब्जर्वेशन या डेफिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन है तो ये ऑब्जर्वेशन डेफिनेशन ऑब्जर्वेशन देखिए सपोज़ एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम टी सेट्स ओके देखो मेरे बेटा ये एक्स है ये वाई है और ये एफ है बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार अगर आप प्रैक्टिकली रिलेट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ ऊपर लाइट चली हुई है मेरे हाथ में पेन है बेटा इसका इमेज इमेज नीचे बनेगा तो बिल्कुल यही समझिए ये लाइट हो गया ठीक है ये आपका पेन हो गया और ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज हो गया आपके सामने ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज अच्छा अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ ये क्या चीज है बेटा इसको बोला जाता है इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स कोई ऐसा बड़ी बड़ी चीज नहीं है पहला वाला पार्ट पढ़िए अगर आपने लिख दिया है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई तो दिस सिंपली मीन्स जब जब एक्स एक्स में होगा तब तब उसका जो इमेज बनेगा एफ एक्स वो कैपिटल वाई में होना चाहिए सर तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है देखो बेटा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को बड़ी बात तो है बड़ी बात तो है आपको नोटिस भी करना पड़ेगा अगर हमने फंक्शन डिफाइन किया नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स एंड इट इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री टू एक्स माइनस थ्री तो मेरे बेटा हर बच्चा देख सकता है देख पा रहा होगा ये भी नेचुरल है ये भी नेचुरल है हाँ जी एक्स का इमेज टू एक्स माइनस थ्री है तो वन का इमेज बताएंगे क्या है एफ वन यानी टू माइनस थ्री ओहो वन का इमेज तो बाहर चला गया भैया तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन यस यस समझने के लिए उल्टी सीधी किताबों में जो डेफिनेशन लिखी हुई प्लीज़ वो डेफिनेशन ठीक है कई बार हमें लगता है उल्टा सीधा लिखा हुआ है बट फिर भी वो नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए अगर आपके सामने एफ फ्रॉम एक्स टू वाई लिखा है दैट सिंपली मीन्स जब जब एक्स एक्स में होगा तब तब एफ एक्स वाई में मतलब जो इमेज बनेगा वो वाई में ही होना चाहिए दिस इज नॉट अ फंक्शन दिस वे ठीक है कोई भी बच्चे को समझने के लिए है बेटा और चीज़ें पढ़ते हैं आगे हमें समझ में आ गया आपको और हमको कि इमेज ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है अब इमेज ऑफ एन एलिमेंट के बाद इमेज ऑफ सबसेट देखिए देखो मेरे बेटा एक सेट ले लो कैपिटल है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं एफ ऑफ कैपिटल है

Of A3, बात समझ में आ गई आप लोगों को आगे देखो आगे देखो तो यहां से सभी बच्चे समझ पा रहे हैं सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि जब जब स्मॉल में तब तब उसका इमेज कैपिटल में तो यहां से कोई भी बच्चा समझदारी के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एक चीज कैपिटल एफ ए डिफाइन कर सकता है तो बेटा कैपिटल एफ ए कैसे डिफाइन किया जाना चाहिए जो मैंने पहले लिखा था उसके हिसाब से एफ ऑफ वन, एफ ऑफ एफ ऑफ बट अब इसको ऐसे ना लिख करके थोड़ा चलिए तो आप लोगों को क्लियर हो गया तो एफ ऑफ कैपिटलिमेंट ऑफ ए जो इमेजेस बनेंगी वही चीज आएगी अच्छा जी अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज आपके सामने पिक्चर बना हुआ है आप सबके सामने एक चीज देख लो मेरे बेटा यहां से क्या निकलेगा टू दिस यहां से क्या निकलेगा हाँ जी ये जो मैंने ब्राउन में लिखा है ये जो मैंने ब्राउन में लिखा है बेटा इसको यही समझ लीजिए नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे वट इज द मीनिंग ऑफ सिंग वाई बिलोंग्स टू वाई कम्पेयर मीनिंग ऑफ वाई बिलोंग्स टू एफ ओके ये इसको पहले डायग्राम बना लीजिए अपना वीडियो पॉज करके डायग्राम बना लीजिए फिर आगे आगे बढ़ के बताते हैं आपको क्या है ये चलिए देखिये देखो मेरे बेटा अगर मैं कह रहा हूं y बिलोंग्स टू कैपिटल y तो जो y बिलोंग्स टू कैपिटल y है वो इसके अंदर भी हो सकते हैं और इसके बाहर यहां भी हो सकते हैं। तो यहां से मुझे कुछ मिलेगा नहीं मैं पक्का पक्का कुछ नहीं कह सकता मतलब इन टर्म्स ऑफ y y शकल की शक्ल कैसे दिखेगी मैं कुछ नहीं कह सकता स्मॉल y शकल की शक्ल कैसे दिखेगी मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन अगर मैंने बोल दिया y बिलोंग्स टू f ऑफ कैपिटल a तो बेटा 100% Y इसके, y इसके अंदर है अगर y इसके अंदर है अगर y इसके अंदर है तो y की शक्ल ऐसे ही दिखेगी तो दिस एम्प्लाइज यस सही समझे? a बिलोंग्स टू ए दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर ये जो मैंने ब्राउन uh, में लिखा है ये जो लिखा है दिस शुड बी क्लियर ये मैं वहां लिख रहा हूँ अपना नोट्स वगैरह अच्छे से बना लीजिएगा मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए यहाँ मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ देखिए देयर फॉर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग y बिलोंग्स टू fa y बिलोंग्स टू fa का मतलब y इज ऑफ द टाइप f ऑफ स्मॉल a फॉर सम a बिलोंग्स टू a हां जी इस बोर्ड तक ये जो पहला स्लाइड है आपका बेटा आपने दो चीजें पढ़ ली हैं आपने और हमने पहली चीज इमेज ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है दूसरी चीज इमेज ऑफ अ सबसेट क्या होता है मैं फिर आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा आप लोगों को बेटा किताबों में जो भी लिखा है अ रूल दिस थिंग दैट थिंग दैट इज फाइन आप बस ये मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि फंक्शन अगर ऐसे लिख दिया है फ्रॉम एक्स टू वाई तो ये होना ही चाहिए तब जाके आप आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे चलिए ये तो हो गया इमेज ऑफ एन एलिमेंट हो गया इमेज ऑफ अ सबसेट हो गया नेक्स्ट कान खड़े हो गए दिल की धड़कन बढ़ गई अरे इनवर्स है one, one, on, देखो there is a, क्या बोले अनफॉर्चुनेट नोटेशन क्या सकते हैं दुर्भाग्यशाली नोटेशन है ये वन वन ऑन टू का कंसेप्ट नहीं है अभी पहले समझिए कि क्या है दिस इज जस्ट नोटेशन सही सुना आपने दिस इज जस्ट नोटेशन जिन लोगों ने रिमान इंटीग्रल्स पढ़ा है रिमान इंटीग्रल्स बेटा उसमें आप अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल पढ़ते हैं और निकालते किस तरह है? इंटीग्रेशन करके नहीं निकालते हो ठीक है ना बिल्कुल वैसे ही नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है दिल छोटा नहीं कीजिए दिस इज अ अनफॉर्चुनेट नोटेशन मैं कह रहा हूँ ये इसके लिए वन वन ऑन टू या वो वाला इनवर्स जो आप इलेवन ट्वेल्थ क्लास में पढ़ के हैं वो चीज़ नहीं है बेटा दिस इज समथिंग एल्स दिस इज समथिंग एल्स पहले समझिए क्या है ऑल ऑफ यू देखिए पिछली स्लाइड में ऐसे चल रहे थे एरो लगाया जा रहा है एरो का मतलब एक्स वाई जा रहे हैं अब बैक गियर लगेगा ये कैपिटल एक्स है ये कैपिटल वाई है ये एफ है अब चलो उल्टा हां जी दिस इज बी मारिए बैक गियर यहाँ बन गया एफ इनवर्स बी और एरो का ध्यान रखिएगा बट ये डायग्राम डायग्रामेटिकली तो समझ में आ रहा है बट इसका मीनिंग क्या है देखिए भाई छोटी सी बात है इधर मैं लिख भी देता हूं सो दिस इज इक्वल टू कलेक्शन दिस इज कलेक्शन मीनिंग शुड बी क्लियर कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट होज इमेज Is in B. अगर आपको इनवर्स इमेज ऑफिस समझना है हाँ आप ही से बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इनवर्स इमेज ऑफ सबसे समझना है मेरे बेटा तो आप सबके लिए आप सबके लिए सलाह है कि ये नोटेशन जितना जल्दी हो सके ग्रैप कर लें जितना जल्दी हो सके सीख लें मीनिंग

कि नहीं पता बच्चे को इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट क्या होता है ये तो समझ में आता है नहीं आ रहा सर चलो ये भी नहीं आ रहा इतनी सी बात समझ में आ रही है कि ये एफ इनवर्स उठ के यहाँ लग जाएगा भाई आप कुछ तो समझना पड़ेगा आप हर चीज में हाथ खड़ा करके बोल देंगे कि समझ में नहीं आ रहा तो कैसे चलेगा बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको पढ़ने के लिए इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट सेट यस इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट पढ़ने के लिए वन वन नॉट रिक्वायर्ड ऑन टू नॉट रिक्वायर्ड जस्ट सिंपली अ फंक्शन इज रिक्वायर्ड समझ में आ गया

Well, सही बेटा मैं मैं लिख लिख रहा क्या लिखना है? ही दिया। अच्छे से वगैरह बना लीजिए। जो दो तीन चार पाँच क्लासेस होंगी बेटा उसमें प्रैक्टिकली ग्राफिकली बताएंगे भी अगर बी इतना है तो उसका इनवर्स इमेज ग्राफिकली कैसे निकालते हैं अभी की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है। आपके दिमाग के अंदर इसको डालने की कोशिश की जा रही है और मैं फिर रिपीट करूंगा दिस इज सिंपली ए नोटेशन कहीं वन वन कहीं ऑन टू नहीं है बेसिकली कहीं एफ इनवर्स एक्स है ही नहीं ठीक है तो इनवर्स मेरे दफा सबसे पढ़ने के लिए वन वन ऑन टू की जरूरत नहीं है ये आप हमेशा पढ़ सकते हैं मीनिंग अच्छे से क्लियर कर लीजिए नहीं तो परेशान हो जाएंगे सही सुना बेटा आपने परेशान हो जाओगे अब भाई डोमेन को डोमेन रेंज पे आने से पहले यस yes, मैं पीछे जा, जाना चाहूंगा जरा सा ऑल ऑफ यू थोड़ा सा थोड़ा सा इंट्रो सा या सा दिखाया जा रहा है आपको लाइट से दिखाई जा रही है देखो मेरे बेटा अगर मैंने एग्जाम्पल लिया ये एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन एंड इट इज गिवन गिवन बाय आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन तो किसी का भी इमेज लो आप एफ ऑफ मान लीजिए जीरो वन का इमेज लिया तो भैया जब एक्स का इमेज एक्स आ रहा है तो जीरो वन का इमेज जीरो वन आएगा कोई बच्चा भी बता सकता है किसी का भी इनवर्स इमेज लीजिए वो भी वही रहेगा ठीक है ये यहाँ तो कुछ है नहीं इसमें तो कुछ है नहीं वो इसीलिए ऐसा लिया था मैंने अच्छा रुको अभी अब अगर मैं फंक्शन ले लू ये। बेटा प्लीज हैव सम सब कुछ हो जाता है ये लिखा है ना इधर बेसिक टू एडवांस ये यहाँ टाइम पास करने के लिए लेक्चर नहीं दिया जा रहा है पूरा आई एम ऑन मिशन बिल्कुल मेरे दिमाग में यहाँ से उठा के वहां की चीजों को बच्चों को ले जाके दिखाया जाए बच्चों को भी वहीं ले जाया जाए समझ रहे हैं फ्रॉम आर गिवन अगर मैं आपसे पूछूं भाई वॉट इज द इमेज ऑफ द सेट एंड वॉट इज द इनवर्स इमेज ऑफ द सेट देखो बेटा प्रैक्टिकल सी बात है ग्राफिकली तो अभी हमने किया नहीं है बट फिर भी प्रैक्टिकल सी बात है क्या देखने के ऊपर है बेटा ये पूरा रियल है, रियल लाइन लाइन है ऐसे नहीं अरे भाई हम बहुत कम चीजें आती हैं हमें देखो पहले देखो पहले रियल लाइन का छोटा छोटा सा पार्ट लिया आपने ये जीरो वन छोटा सा ही पार्ट होता रियल लाइन का तो जीरो वन का तो जीरो वन बनेगा बेटा आपको दिख रहा है आप सबको दिखाई दे रहे हैं ना एफ इसका पूरे का इमेज उठ के ये खुद आ गया लेकिन इसके बाहर क्या है हमें नहीं पता नहीं होगा वो डिफाइंड नहीं होगा तो ज़रा इधर आ जाइए ये देख देख लिया आप लोगों ने ये फंक्शन है आपका ये सही सुना ये वाला फंक्शन है जो इसके एलिमेंट को यानी कि अगर मैंने यहाँ हाफ लिखा है हाफ हाफ लिखा है तो बेटा हाफ गोज़ टू हाफ इसी तरीके से अगर मैंने वन बाय थ्री लिखा है तो वन बाय थ्री गोज टू वन बाय थ्री लेकिन यहाँ थ्री का फोर का फाइव का इमेज ही नहीं है क्योंकि एफ एफ का जो एफ डिफाइंड है वो खाली जीरो वन क्लोज जीरो वन पर डिफाइंड है ठीक है ये तो हो गया तो बेटा वॉट इज एफ ऑफ जीरो हाफ ये तो सबको समझ में आ रहा है कि जीरो हाफ ही होगा अब आते हैं इसके ऊपर वॉट इज एफ इनवर्स ऑफ थ्री फोर देखो भाई जीरो वन यहाँ दिख रहा है आप सबको बेटा जीरो वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं खुद पे मैप हो रहे हैं और बाहर वाले तो आएंगे ही नहीं बाहर वाले नहीं आएंगे तो अगर मैंने यहाँ पे थ्री फोर ऐसे करके सेट ले लिया तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का कोई भी एलिमेंट उसमें इमेज नहीं बना पा रहा है थ्री -फोर में तो बेटा का इनवर्स इमेज तो कुछ आ ही नहीं पाएगा प्रैक्टिकली बात समझ में आ गई पहले आइडिया क्लियर कर लीजिए क्योंकि एक से बढ़कर एक लेवल के क्वेश्चन है टी आई एफ आर में देखते हैं आप कैसे फंक्शन कैसे इंट्रोड्यूस होके आते हैं दो हजार इक्कीस जैम का पेपर देख लो मैथ्स का दो हजार बाईस जैम का पेपर देख लिया कैसे फंक्शन फंसे हुए आते हैं क्वेश्चन में तो तो ये देखना जरूरी है तो F 3 है ही नहीं तो दिस इज सेट अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट्स बनाए जा सकते हैं कोई भी बच्चा समझ सकता है ये चीज बेटा क्लियर हो गया क्योंकि ये जीरो वन पे डिफाइंड था खाली तो वहाँ जो आंसर्स आ रहे हैं वो भी जीरो वन में ही आ रहे हैं सब कुछ जीरो का इमेज जीरो हाफ का इमेज हाफ वन बाय थ्री का इमेज वन बाय थ्री जीरो पॉइंट सिक्स का इमेज जीरो पॉइंट सिक्स वन का इमेज वन बस उतना ही कवर कर पाएगा तो ये ये फंक्शन बेसिकली यहाँ से इतना ही कवर कर पाएगा इसका तो इन्वर्स इमेज आ ही नहीं पाएगा क्लियर हो गया बेटा तो ये सब आइडिया ले लीजिए और चीज़ें मैं कराऊंगा लेवल बेसिक से लेवल आपको कराई देंगे आई होप दिस इज वेरी क्लियर गुड नेक्स्ट हाँ जी अगला इंपॉर्टेंट इशू

What is domain of function? बेटा पहला circle. पहला सर्कल। सर्कल सर्कल। सर्कल क्या क्या है? है? दूसरा दूसरा नजर नहीं आता। है। सही सुना आपने नजर नहीं आता है। बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ, मिसाइल का रेंज कितना है तो आप यही तो सोचो कि मिसाइल कितनी दूर तक मार कर सकते हैं कहाँ तक हिट कर सकते हैं है ना ऐसे ही फंक्शन का रेंज कितना है फंक्शन क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं क्लियर हो गया यस yes. फंक्शन तो का रेंज कितना है? है याद कीजिए हाँ, आप ही से कह रहा हूँ याद कीजिए बेटा हमने इमेज ऑफ अ सबसेट लिया था तो जिस तरह आप ए का इमेज ले रहे हैं ऐसी कोई और सबसेट या एम ले लेंगे तो एम का इमेज एफ एम आ जाएगा तो एक्स का इमेज एफ एक्स ठीक है दैट्स द ओके अब आगे सुनो तो क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या क्या डाउट नहीं आ जाते भाई क्या पता कि, कौन कौन से बच्चे देखें क्या क्या डाउट आए दिमाग में अपनी तरफ से इरेडिकेट तो किया जा ही सकता है सुनिएगा जरा ध्यान से हाँ जी बच्चा मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था बच्चे क्या कहते हैं ध्यान से सुनो बच्चा कहता है शायद उसका कहना काफी हद तक ठीक भी है कि सर एक बात बताओ एफ फंक्शन लिया आपने एक्स टू वाई अगर आपने ए यहाँ इतना लिया इतना तो ये समझ में आता है कि उसका जो इमेज बनेगा एफ ए वो जरूरी नहीं है पूरा का पूरा ये वाला स्पेस कवर कर ले ए का इमेज ए इतना है तो एफ ए इतना कवर कर ले जस्टिफाइड लग रहा है लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है और शायद होना भी चाहिए इसी तरीके से अगर हमने कोई सेट एम लिया एम तो जब एफ लें एम लेंगे तो जस्टिफाइड लग रहा है अब सर एक बात बताइए जब यहाँ सबसेट लिया तो वहां इमेज एज ए सबसेट बन गया यहाँ एम लिया तो वहां भी जो इमेज बना वो एज ए सबसेट बन गया बट सर यहाँ तो आप पूरा का पूरा एक्स ले रहे हैं जब आप पूरा को पूरा एक्स ले रहे हैं तो जो उसका इमेज बनेगा क्या वो पूरा को पूरा वाई नहीं बनना चाहिए भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और हर पढ़ने वाले बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आना भी चाहिए आप सबसे कह रहा हो बिल्कुल आना चाहिए कि सर जब सबसेट लिया सबसेट का इमेज यहाँ छोटा सा पार्ट कवर कर रहा है जस्टिफाइड बट जब आप यहाँ पूरा यूनिवर्सल सेट एक्स ले रहे हैं तो क्या यहाँ पूरा का पूरा वाई कवर नहीं होना चाहिए तो बेटा आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो नहीं होना चाहिए इन जनरल नहीं होगा नहीं होगा मैं एग्जाम्पल देता हूँ एग्जाम्पल देने से पहले ये जो बेटा रेंज रेंज

हर बच्चा देख सकता है मेरे बेटा देखो पूरी रियल लाइन को पॉजिटिव नेगेटिव सब हमने सेपरेट कर दिया अब आपके सामने क्या है एफ एक्स का जो एक्स का आंसर है एक्स स्क्वायर है यानी वन का ओके जीरो का देख लेते पहले जीरो का आंसर वन और माइनस वन का आंसर सेम है बात समझ रहे है। टू एन माइनस टू का आंसर सेम है बेटा यहाँ से क्या समझ में आया आपको आप देख लीजिए इधर से इस पार्ट से डोमेन से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे, आप. से कोई भी उठाएंगे जो उसका इमेज बनेगा वो तो R 0 में ही जा रहे हैं. मतलब ही कवर है, कवर नहीं है. तो केज में अगर आप ये पूरी रियल लाइन का इमेज लेंगे तो बेटा वो वही आएगा दिख रहा है ना आप लोगों को सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा तो ऑफ फॉर मेरे बेटा दिस इज नॉट इक्वल टू आर तो क्या है सर भाई देख लो बेसिक चीज है एकदम लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा एटलीस्ट आई कैन ट्राई ट्राई तो कर ही सकते हैं बट पढ़ी है ऐसी काम ऐसी होता है ओके okay. इस ये जो स्लाइड आपके सामने पॉज करके आप लोग डायग्राम बना सकते हैं ओके okay. मैंने तीन चीजें बोली थी बेटा विद ईच एंड एवरी फंक्शन थ्री थिंग्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड वो क्या क्या है उसका डोमेन उसका कोडोमेन और उसका रेंज अब नाउ आई विल थ्रो सम मोर लाइट ऑन इट देखो बच्चे हाँ जी बहुत ध्यान से सुनिएगा सुनना तो पड़ेगा तो ये बात पक्की रहे कि ये जो रेंज बनेगा रेंज वो वाई से बड़ा नहीं हो सकता y के बराबर भी होना इन जनरल जरूरी नहीं है रहेगा या तो इक्वल या फिर छोटा आप छोटा ही लीजिए इन जनरल रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ y ओके okay? यस yes, सही सुना आपने भाई मिसाल ये मिसाइल इधर बनाएंगे आप अर्थ के ऊपर तो ऐसे तो नहीं है ना कि मिसाइल यहाँ से छोड़ेंगे तो सीधा अर्थ के पार सर उ तो जाती हैं अरे अब तक नहीं हो पाया उसमें तो बार बार फ्यूल डालना पड़ता है समझ में आए <laughs> अब तक ऐसा मिसाइल नहीं बना कि यहाँ से तो छोड़ा सीधा स्पेस में चले गए बाह पार ही हो गए ऐसा नहीं हो सकता सेम ईयर तो वाई वाई के पार नहीं जा सकता उसका रेंज नहीं जाएगा आगे सुनिए नेक्स्ट हाँ जी मैं डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको कुछ समझाने जा रहा हूं जरा ध्यान देना ठीक है फंक्शन लिया आपने एक्स टू वाई फंक्शन लिया आपने नेचुरल नंबर से इंटीजर्स फंक्शन लिया आपने रियल लाइन टू कॉम्प्लेक्स प्लेन हाँ जी मैं कुछ लिखूँ इसके पहले बच्चों वाली चीज बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं बेटा मेरे जीरो टू वन एक्स डी एक्स इंटीग्रल कितना आएगा वन बाई टू जीरो टू वन वाई डी वाई इंटीग्रल कितना आएगा वन बाई टू जीरो टू वन जेड डी जेड इंटीग्रल कितना आएगा वन बाई एक और ड्रामा कर लेते हैं जीरो टू वन यू डी यू इंटीग्रल कितना आएगा ये सब क्या हो रहा है है बेटा आंसर सब के सेम बट वो एक्स में था वो वाई में था वो जेड में था वो यू में था अरे दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ डमी सिंबल डेफिनेट इंटीग्रल है थ्रू आउट वाई में लीजिए जेड में लीजिए यू में लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा चेंज ऑफ डमी सिंबल और कुछ नहीं है चेंज ऑफ डमी सही सुना आपने तो अब जरा इसको करने से पहले इधर आ जाओ ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू थोड़ी देर पहले की बात है हमने इमेज ऑफ अ सेट पढ़ा था इमेज ऑफ अ सेट मेरे बेटा अगर मेरे पास एफ ए है एफ ए तो हमने उसको लिखा था एफ ऑफ स्मॉल ए वे ए बिलोंग टू कैपिटल है बिल्कुल यही लिखा था बेटा क्या मैं इसको हटा के ये नहीं लिख सकता अगर मुझे मीनिंग क्लियर है मुझे मतलब अगर आप लोगों को इफ द मीनिंग इज क्लियर यू कैन यूज एनी डैम सिंबल वाई डू यू थिंक कि आपने जो सिंबल्स पढ़े एग्जाम में भी वही आएंगे क्या आप ये नहीं लिख सकते अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अटैम्प करने में आप अटकेंगे नहीं अभी क्या होता है आपने देखा होगा अगर दस दस टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है तो उसमें से एक या दो टॉपिक्स ही बच्चे के पक्के होते हैं तो वो जो पक्के वाले टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से स्मूथली आगे बढ़ बढ़ जाते हैं लेकिन जो आपके फंसे हुए टॉपिक हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप मतलब आपका दिल कहता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ उसमें नहीं जाते इसमें नहीं ऐसे ही होता है ना लॉजिकली ऐसे ही होता होगा तो सेम ईयर सेम ईयर अगर आपको मीनिंग मीनिंग क्लियर क्लियर है कोई भी सिंबल यूज नहीं clear. तो बच्चा क्या करेगा इसको हटाएगा और ओपन करिए मॉडर्न मैथमेटिक्स यही सुना आओ जरा पहले वाले केस में दूसरे वाले केस में तीसरे वाले केस में किसी भी केस में डोमेन को डोमेन रेंज क्लियर होना चाहिए पहले वाले केस में डोमेन पहला सर्कल एक्स यहाँ पे भी डोमेन है आपका यहाँ पे डोमेन है आप पहले वाले में सुनिएगा क्या बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ सही सुना डोमेन ऑफ फंक्शन है इसमें क्या बोलोगे बेटा डोमेन ऑफ जी इसमें डोमेन ऑफ फाइव अभी रुकिए मैं तीनों चीजें लिख रहा हूं यस yes, पहले वाले केस में डोमेन ओके लेट मी राइट ओनली why should I use some इतना प्लेस लग जाएगा बेटा ये डोमेन है साथ रहिएगा ये को डोमेन मेरा सारा ध्यान रेंज बताने के ऊपर है ये डोमेन है ये कोडोमेन ये कोई बड़ी चीज नहीं है तो वैसे भी दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में बात करेंगे अब सुनो मैंने मेरे बेटा ये डोमेन को डोमेन डोमेन कोडोमेन सबको क्लियर है ना रेंज कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से सुनना ये इसके लिए अननेसेली स्पेस लगाने की जरूरत नहीं है स्पेस लगाएंगे हम रेंज के ऊपर अच्छा अच्छा एक चीज़ और रहेगी बताने के लिए वो क्या वो ये जी पहले वाले में बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ इसमें बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन जी डोमेन ऑफ फंक्शन फाइव ध्यान रखिएगा बोलते टाइम थोड़ा रिस्पेक्टफुली बोला कीजिए कि लगे हाँ भाई फंक्शन गिवन फंक्शन की इज्जत की है इसमें बच्चे ने ऐसे ही कोडोमेन ऑफ एफ कोडोमेन ऑफ जी कोडोमेन ऑफ फाइव चलिए ये तो हो गया अब देखते हैं आगे अब आते हैं रेंज के ऊपर रेंज वो ये बेसिकली एग्जाम्पल्स रेंज डिस्कस करने के लिए दिए गए हैं देखो मेरे बेटा फंक्शन को छोड़िए थोड़ी देर के लिए और इधर आइए फ्रॉम एक्स टू आई तो रेंज ये रही समझ में आई बात भाई देखने के ऊपर है ये तो बच्चा पहचान ही नहीं पाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा फिर वही दिल बोलेगा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ क्योंकि पेपर पे कमाने नहीं है तो ये जो चीज होती है ना ये 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 क्लब करके या कंबाइन करके ये होता है रेंज बेटा इसको कहते हैं रेंज अब देखिए आगे यहाँ आइए एफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई देन मेरे को रेंज ही डिस्कस करना है भैया मैं और कुछ डिस्कस करूंगा ही नहीं क्योंकि परेशानी सारी रेंज में है क्या लिखोगे रेंज ऑफ एफ में दिस इज गिवन बाय रेंज ऑफ जी में क्या लिखोगे जी है और रेंज ऑफ फाइव में क्या लिखोगे बेटा उसके बाद क्या करेंगे याद कीजिए थोड़ी देर पहले इंटीग्रल के तीन एक, चार एक्सप्रेशन लिखे थे एक्स में वाई में, में यू में सब में सेम आंसर था चेंज ऑफ भी जी एन को क्या लिख सकते हो बेटा मैं तो एक्स ही लिखूंगा आपको एक्स अच्छा नहीं लग रहा आप एन लिख दो वो भी अच्छा नहीं लग रहा अपना नाम लिख दो आप तो कुछ भी लिख सकते हैं वैसे भी क्लियर हो गया ये मैंने डिस्कस किया है आपको रेंज बताने के लिए प्लीज ध्यान दीजिए आप सभी लोग बेसिक क्लियर नहीं होते हैं हाई फाई बुक्स पढ़ के हाई फाई कॉन्सेप्ट करके फिर धड़ाम से गिरते हैं बच्चे एग्जाम में डोमेन क्लियर होना चाहिए कोडोमेन क्लियर होना चाहिए रेंज क्लियर होना चाहिए चलिए ये तीनों चीज़ें हो गई ये दोनों को क्लब करके लिखना है वही रेंज होता है गुड नेक्स्ट ना पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये सही सुना द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस किसी फंक्शन के लिए यही सबसे ज़रूरी चीज़ है वेल well डिफाइंड क्या होता है वन वन क्या होता है ऑन टू क्या होता है बहुत ही अच्छे से ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा रिक्वेस्ट है बेटा सक्सेस चाहिए आपको इस तरह से पढ़ने से ही मिलेगी पॉज करके अच्छे से डायग्राम वगैरह बना लीजिए कुछ और भी एक दो एग्जाम्पल्स आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो गुड आइए वेल well डिफाइंड से क्या मीनिंग है बेटा वन वन से क्या मीनिंग है ऑन टू से क्या मीनिंग है पहले वेल डिफाइंड पे आओ अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज वेल डिफाइंड इफ एंड ऑन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज अच्छा जी अब करते हैं थोड़ा यहाँ वहाँ की बी ग्रेड मूवीज के बारे में बात तो मूवीज देखो तो सही बेटा क्यों परेशान हो रहे हो इतना क्या मजेदार सा टॉपिक है खुद भी पढ़ो दूसरों को भी पढ़ो अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों को मजा आए हाँ जी पहले मैं मूवीज के बारे में बात कर लू बेटा मान लीजिए आप और हम सही सुना आपने आप और हम कैपिटल एक्स के ऊपर खड़े हैं एंड वी पीपल आर फायरिंग अ बुलेट वी पीपल आर फायरिंग अ बुलेट अब आप मेरे को बताइए क्या हो सकता है दो बुलेट्स एक प्लेस पे चली जाए या साउथ की मूवीज की तरह एक बुलेट दो प्लेस पे चले जाए क्या कहता है आपका दिल क्या कौन जादू मंत्र चल रहा है या साउथ की मूवी चल रही है कोई नहीं सो दिस इज नॉट पॉसिबल समझ में आ गया बेटा तो ये है वेल well डिफाइंड की तरह पहला कदम वेल डिफाइंड फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इस तरह की चीजें चल रही हैं ये ये फिर भी ठीक है लेकिन ये नहीं होना चाहिए अब बढ़ते हैं आगे अगेन पॉज करके अच्छे से लिख लो वहाँ पे बच्चों की तरह बुलेट फायर कर रहे हैं तीर चला रहे हैं समझ रहे हैं अब बाहुबली की तरह एक ही उसमें रख के तीन तीर चला रहे हैं सर अगर हम अरे भाई अब समझ तो गए अब मजाक छोड़ना है एक ही की बात हो रही है यहाँ से एक तीर चलाया दो टुकड़ों में बढ़ गया तीर है क्या है सेम ईयर ध्यान रखिएगा अब देखिए आगे मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए देखो मेरे बेटा क्योंकि ये टॉपिक इतना जबरदस्त है ना बेटा सब कुछ हिला के रख देगा भाई मैं तो पीछे हटने के मूड में हूँ या टाइम पास करके चला जाऊँ देखो देखो मेरे वीडियोस देखिएगा मेरे व्यूज़ बढ़ाइए है ना वो सब नहीं होगा भाई मेरे से काम करने आए हैं अच्छे से काम जाएंगे। करके जाएंगे देखिए आप पछताएंगे नहीं क्लासेस करके फायदा ही मिलेगा आपको हर हाल में देखो मेरे बेटा

इसके पास कितनी इमेज एक ही तो है इसके पास कितनी है बट अगर मैं डायग्राम ऐसे बना देता हूँ थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया था आप लोगों को अगर मैं डायग्राम ऐसे बना देता ऐसे तो गड़बड़ होती है ना इसके पास यूनिक इमेज थोड़ी ना थी समझते नहीं हो यार झगड़ा करने पहुंच जाते हो खाली सो दिस हैज यूनिक इमेज यूनिक इमेज यूनिक यूनिक बिल्कुल ठीक है वेल well डिफाइंड ये फंक्शन वेल डिफाइंड फंक्शन और ये भी फंक्शन वेल डिफाइंड हाँ जी जान के जान के बनाया बिल्कुल सबके सब एक ही पे ले जाओ कोई बात नहीं दिस हैज़ यूनिक इमेज यूनिक इमेज यूनिक इमेज यूनिक इमेज यस वेल डिफाइंड भैया मैंने उन्नीस बरस बीसवा बरस से पढ़ाई का ऐसे ही पढ़ाया बेटा और ऐसे ही आपके अंदर डालेंगे डोंट वरी निराश होकर नहीं जाएंगे क्लियर हो गया पहला भी वेल well डिफाइंड है दूसरा भी वेल well डिफाइंड है तीसरा भी वेल well डिफाइंड है तीनों चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को ओके अगेन मैं कहूँगा पॉज करके अच्छे से डायग्राम वगैरह बना लीजिएगा अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी बहुत बेहतर हो जाएगी इस तरह से पढ़ के अब आगे जाएं जाए पढ़ें और ऑन टू पढ़े उससे पहले एक बहुत क्लासिकल चीज आपके सामने आने वाली है अगेन दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ देखो मेरे बेटा जब आप स्कूल में थे तो ये एक्स एक्सिस हुआ करता था ये वाई एक्सिस हुआ करता था ऐसे चौंकिए नहीं आज भी ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है लेकिन अच्छा अगर एक फंक्शन दे दिया जाए तो आप सबको पता है ये वाला हाइट जो होता है बेटा अगर ये एक्स है तो ये पूरा हाइट अफ एक्स ये वाला पॉइंट बन जाएगा एक्स कॉम आइफ एनी यू नो वोट दिस हाइट इज सेम इज दिस यू नो वोट वोट क्या क्या चीज़ें होती हैं अब सुनिए अब वो जो फंक्शन और ये जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसको जोड़ने का टाइम आ गया है स्कूल का एक्स वाई प्लेन और अब मॉडर्न मैथमेटिक्स को जोड़ने का टाइम आ गया है आप लोग आप में से मैक्सिमम बच्चे अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया आपके सीनियर्स भी हैं उसमें बेटा ये जो स्कूल के बाद जो मैथमेटिक्स शुरू हुआ है ना रियल एनालिसिस ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी और ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स इस तरह का शुरू हुआ है जो इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास में प्रॉपर रहा था वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा समझ रहे हैं तो बेटा इससे प्यार नहीं हो पा रहा है इससे प्यार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो जो चीज़ आपने पढ़ी थी उसमें और इसमें रिलेशन नहीं दिख रहा आपको वो तुरंत आपके दिमाग में चला जाता था आराम से आपका दिमाग उसको ग्रैप कर लेता था इसको पकड़ ही नहीं पाता आपका दिमाग तो थोड़ा सा अगर प्यार बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाएं अरे चीजों को रिलेट कीजिए कैसे करें देखो बेटा अब क्या करना है आप लोगों को एक्स एक्सिस को मानिएगा डोमेन सही सुना आपने वाई एक्सिस को मानिएगा को डोमेन और अब एक एकदम नई बेहतरीन चीज आपके सामने आने वाली है मेरे साथ आ जाओ मैं तीन डायग्राम्स लेके चलूंगा बट उसके पहले मान लीजिए फंक्शन ऐसा है मेरे बेटा ध्यान से सुनना ये फंक्शन है हाँ जी ये वेल well डिफाइंड क्या कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन यानी एक्स एक्सिस बेटा एक्स एक्सिस का एलिमेंट इसके पास अगर ये एक्स है इसके पास यूनिक इमेज दिख रहा है हाँ जी अगर ये पी है इसके पास यूनिक इमेज दिख रहा है हाँ जी समझ में आ रहा है बेटा अगर ये जेड है यूनिक इमेज दिख रहा है अच्छा कब यूनिक इमेज नहीं होगा अरे अभी लो देखो You know, यू कोशिश, कोशिश कर रहे हैं तो एक एक एलिमेंट एक के लिए पता ही नहीं लगेगा आपको ऊपर जाए या नीचे जाए तो यहाँ पे एक एलिमेंट की दो पॉसिबल इमेजेस हो सकते समझ में आया बेटा चक्कर इसीलिए ये वाला ज्यादा नहीं पढ़ा जाता दूसरे वाला पढ़ा जाता है चक्कर समझ में आ गया तो यहाँ देखिए इस तरह का अगर आपने फंक्शन बना दिया मैंने ये नहीं कह रहा कि ये इक्वेशन बता रहा हूँ आपको बट इस तरह का अगर ग्राफ बना दिया आपने या ये भी छोड़िए अगर इस तरह का ग्राफ बन गया मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसे बन गया ग्राफ तो अगर पॉइंट पी लिए है अगर पॉइंट पी लिया आपने तो इसका इमेज यहाँ लेंगे या इसका इमेज यहाँ लेंगे आप चक्कर में पड़ जाएंगे बात समझ में आई पहले चीज़ों को क्लियर कर लीजिए झगड़ा करने की बजाय ना क्लैरिटी रखा जाए तो अपने आप ही आपके तर्क से सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी कुतर्क देते हैं लोग बहस करते हैं इसलिए तो चीजें बढ़ती हैं तो क्लैरिटी नहीं है आइए जरा हाँ जी इसके लिए मैं अब जरा फेमस कुछ डायग्राम्स बना लू बेटा e पावर x x क्यूब एक्स तीनों में देख लीजिए तीनों में देख लीजिए देखो बेटा अगर कोई पॉइंट आपने एक्स लिया है तो उस पॉइंट की जो इमेज आएगी वो यूनिक ही आएगी दिख रहा है ना मुझे तो दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा जाके आंखों का इलाज करा लो मजाक कर रहा हूँ यार आप भी मजाक ही कर रहे हो आई होप दिस स्मॉल थिंग इसको अगर आप स्कूल के मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे फंक्शंस को बहुत प्यार से आपके अंदर चला जाएगा बेटा हाँ सही सुना आपने और मजा भी आएगा आपको पढ़ के क्लियर हो गया आपको वेल well जो मैं सर्कुलर डायग्राम्स बना रहा था उसके थ्रू भी क्लियर करिए अब आते हैं अगले चैलेंज पे जो पढ़िए जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ और देखिए ध्यान से बड़े आराम से समझ में आएगा भाई ये संभव ही नहीं है कि समझ में ना आए ऐसा कैसे कह रहे हो सर बेटा अब देखो परेशान ना ना हो देखिए ये वाला डायग्राम देखिएगा जो यहाँ राइट मोस्ट में बनाया जा रहा है उसके बाद सेकंड लास्ट वाला देखिए लास्ट वाला मैं भी बनाऊंगा हाँ जी बेटा ये जो राइट मोस्ट में डायग्राम है प्रैक्टिकली बताइए कोई किसी को बाहर से पकड़ के लाएंगे और बोलेंगे भाई बता क्या हो रहा है इसमें तो वो यही तो कहेगा कि तो भाई ये तीन है जो एक पे जा रहे हैं ये तीन है जो एक हाँ जी सही सुना आपने दिस मैपिंग इज थ्री गोइंग टू टू वन यानी दिस इज यस 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 सही बात है ये क्या चीज है दिस इज टू टू गोइंग टू वन यानी टू टू वन तो बेटा जब थ्री टू वन का ये मतलब है प्रैक्टिकली टू टू वन का ये मतलब है प्रैक्टिकली तो जरा बताओ वन टू वन का क्या मीनिंग होगा अब क्या जरूरत पड़ी है इसको पढ़ने की वन वन का मतलब समझ तो गए आप एक इधर तो एक ही उधर ठीक है ना ये नहीं की तीन इधर और एक उधर नहीं नहीं ऐसे नहीं एक इधर एक इधर बिल्कुल ये देखिए बनाने तो दो यस इट इज क्लियर हो गया बेटा तो खाली यही वन वन है दिस इज नॉट वन वन दिस इज नॉट वन वन प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज थ्री एलिमेंट्स गोइंग टू वन तो दिस इज थ्री टू वन दिस इज टू टू वन एंड दिस इज वन टू वन तो आप देखिए अगर एलिमेंट्स में डिस्टिंक्शन है एलिमेंट्स में फर्क है अगर डोमेन में इधर दो एलिमेंट्स हैं और फंक्शन वन वन है तो उनकी इमेजेस भी डिस्टिंग दो अलग अलग आनी चाहिए समझ में आ गया ए नॉट इक्वल टू बी इधर है तो जो उधर एफ एफ भी बनेगा वो नॉट इक्वली होना चाहिए तभी one one के लाएगा। तभी फंक्शन चलिए ये तो हो गया अब बढ़ते हैं आगे हाँ जी वीडियो पॉज करके वीडियो पॉज करके बेटा आप डायग्राम बना सकते हैं अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं बहुत काम की चीज है भाई सच कह रहा हूँ बहुत काम की चीज है बहुत ज्यादा काम की थी और ये थ्रू आउट द लाइफ जब तक पढ़ते रहेंगे या पढ़ाते रहेंगे या कहीं रिसर्च वगैरह में जाएंगे कल को और भी काम कर सकते हैं सब जगह काम आएगा आपको वन वन समझ में आ गया आपको अब ग्राफिकली बात हो जाए वही तीन फंक्शंस ई पावर एक्स एक्स पावर थ्री एक्स पावर टू उधर चलो पहले राइट मोस्ट हाँ जी ई पावर एक्स में जरा ध्यान दीजिएगा बेटा आप सभी लोग अगर ए और बी बराबर नहीं है तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस जो बनेंगी वो भी बराबर नहीं है दिख रहा है आपको दिस इज ई पावर है दिस इज़ ई पावर भी हाँ जी ये भी बराबर नहीं अरे भाई ये तो वन वन फंक्शन आ गया डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के पास डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं थैंक यू वेरी मच दिस इज़ वन वन समझने के लिए थैंक यू भाई दिल से थैंक यू अब जरा इधर आ जाओ क्या यहाँ भी वैसे ही कुछ हो रहा है अगर पी और क्यू बराबर नहीं है तो बेटा एफ पी और एफ क्यू भी बराबर नहीं है हाँ जी सर बिल्कुल हो रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो वन वन अब जरा ये लास्ट वाले में आ जाइए ये तो आपको पहले से पता ही था बेटा जितना वन का इमेज होगा और जितना माइनस वन का इमेज होगा जरा देखें क्या होगा अरे भाई तो सेम आ गया तो माइनस वन इज नॉट इक्वल टू वन बट ऑफ माइनस वाला वन वन है तीसरे वाला वन वन है लेकिन ये पहले वाला आपका वन वन नहीं आई होप दिस डायग्रामेटिकली दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू और आप अपनी ऑब्जर्वेशंस भी अच्छे से कर लेंगे अच्छे से बना लेंगे अच्छे से सीख लेंगे चलिए चले आगे वेल डिफाइंड क्लियर हो गया एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज डोमिक इधर डिस्टिंगशन है तो जब आंसर आएगा इमेज आएगी तो भी ही होना चाहिए वो one, one. अब चलते हैं आगे जी ऑन टू बच्चों के सिर में दर्द सही सुना आपने सिर में दर्द फ्रॉम टू टू इज ऑन इफ ओनली पता नहीं क्या लिखा है सर क्या लिखा है क्या है? समझ में आ जाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज अ प्री इमेज देखो मेरे बेटा प्री इमेज का क्या मीनिंग है आओ, देखो पहले वाले केस में जो फंक्शन लिया बेटा दिस हेज ए प्रीमेज यस दिस हैज अ प्रीमेज यस दिस हैज टू प्रीमेज लेकिन ये बेचारा रह गया बाहर तो ये ऑन टू में नहीं काउंट होगा दिस इज नॉट ऑन टू अच्छा इधर आइए दिस हैज अ प्रीमेज दिसमेज हैजीमेज हैजीमेज दिस इज ऑन टू तो बेटा ऑन टू से क्या समझेगा ऑन टू से बस इतना ही समझना है कि कोडोमेन यस कोडोमेन खाली नहीं रहना चाहिए सही सुना आपने कोडोमेन शुड नॉट बी वैकेंट इतनी मोटी सी बात समझ में आ रही है डायग्राम बनाओ बच्चों की तरह वीडियो पॉज करो रिकॉर्डिंग अपना डायग्राम वगैरह अच्छे से ऑब्जर्वेशन के साथ लिख लीजिएगा तो ये वेल डिफाइंड वन वन ऑन टू क्लियर हो गया अब आते हैं ग्राफ के ऊपर क्योंकि तो वो मैथड आपके लिए चैलेंजिंग भी है थ्रिलिंग भी है सच में थ्रिलिंग है भाई वो एक बार समझ में आ गया ना अप्रोच तो आप तो फंक्शन ही फंक्शन पढ़ते ही जाएंगे पढ़ते ही जाएंगे पढ़ते ही जाएंगे आइए बेटा ग्राफ बनाने से पहले ग्राफ बनाने से पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को एक्स एक्सिस को मानिएगा डोमेन है वाई एक्सिस को मानिएगा कोडोमेन और डेफिनेशन पढ़िए एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन यानी वाई एक्सिस का हर पॉइंट का प्री प्रीमिया जाना चाहिए कोडोमेन खाली नहीं होना चाहिए अब ये खाली नहीं होना चाहिए तो उसका उस, वो कैसे करेंगे मान लो थोड़ी देर के लिए मान भी लो या तो मानते मानते तो कुछ हो नहीं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए डायग्राम ऐसे बन रहा है सपोज ई पावर एक्स का ही बना लेते हैं अब बेटा आपको दिखाई दे रहा है आपको भी दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है कि अगर मैंने यहाँ कोई एलिमेंट लिया मान लीजिए फाइव लिया फाइव के पास तो प्री इमेज बन रहे हैं अच्छा टू लिया टू के पास भी प्री इज बन रहे हैं ये माइनस वन लिया आपने ये माइनस टू लिया आपने ये माइनस थ्री कई ग्राफ तो टकराएगा नहीं तो यहाँ प्रीमेजेस नहीं है यस विद दिस आइडिया विद दिस आइडिया तीनों ग्राफ्स पढ़ लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम पावर e एक्स x पावर थ्री एक्स पावर टू आ जाओ आओ बेटा हाँ जी जैसे मैंने यहां बोला था आपको पॉजिटिव एलिमेंट लेंगे अगर आप अल्फा उसका तो प्रीमेज आ जाएगा कितना आएगा अरे भैया इतने बड़े ज्ञानी नहीं है हमें क्या पता तो कितना आएगा आ आ जाएगा बस जाएगा घबराओ नहीं आ जाएगा दिख रहा है ना आ जाएगा आ, ऐसे उल्टी सीधी बातें करेंगे अगर आप तो कैसे काम चलेगा कितना आएगा कितना उसका आएगा, आएगा, प्रीमेज बट नेगेटिव में नेगेटिव में अगर आपने माइनस वन लिया माइनस टू लिया तो यहाँ दिख रहा है नेगेटिव रियल्स नो प्रीमेज कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे प्रीमेज नहीं आएगा नेगेटिव छोड़िए इसके बाद तो जीरो का भी प्रीमेज नहीं है तो क्या ये फंक्शन ऑन टू है बिल्कुल भी नहीं अब जरा इधर आ जाओ यहाँ आइए हाँ जी मेरे बेटा थ्री के पास प्रीमेज है माइनस थ्री के पास भी प्रीमेज है दिखाई दिया तो यहाँ पॉजिटिव वाले का भी प्रीमेज है नेगेटिव वाले का प्रीमेज है जीरो का भी प्रीमेज है क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा अरे भाई जब y एक्सिस के हर एलिमेंट के पास प्रीमेज आ रहा है तो बिल्कुल ऑन टू होगा अब जरा इधर आ जाइए वही प्रॉब्लम बेटा पॉजिटिव लेंगे फाइव लेंगे फोर लेंगे तो प्रीमेजेस आपको मिल जाएंगे इधर भी मिल जाएगी इधर भी मिल जाएगी दिख रहा है लेकिन जैसे ही आप इधर आए माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन तो कोई प्रीमेज नहीं है तो अगेन दिस फंक्शन इज ऑन टू और नॉट बिल्कुल भी ऑन टू नहीं आई होप दिस डायग्रामेटिक अप्रोच इज थ्रिलिंग एंड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू वेल डिफाइंड वन वन ऑन टू डायग्रामेटिकली करेंगे अगर आप इस तरह कभी परेशानी नहीं होगी अच्छा कुछ लोग बहुत हवा हवाइयाँ चलाते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट हॉरिजोंटल लाइन टेस्ट अरे भाई पहले बेसिक को क्लियर कर लो वो वर्टिकल लाइन और हॉजोंटल लाइन ना आपकी लाइन बन जाएगी थोड़ी है उसको ये करिए पहले ज़्यादा हाई फाई नहीं होना चाहिए पहले जमीन से तो जुड़ी है पहले पहले ही आसमान में उड़ रहे हैं कहाँ जाएंगे आसमान में उड़ के कहाँ जाओगे चलिए अब आपके पास हो गई तीन चीज़ें वेल well डिफाइंड हो गया वन वन हो गया ऑन टू हाँ जी यहाँ लिखा भी है मैंने डायग्राम तो बेटा तो बनेगा साथ रहिएगा डायग्राम इज लाइक में हां जी इन तीनों डायग्राम है वही तीन चीजें डिस्कस करनी है वेल डिफाइंड वन वन ऑन टू प्लीज बी क्लियर बी क्लियर वेल डिफाइंड ऑन टू yes, पहले वाला दिस हैज यूनिक इमेज दिस एज अमेज यूनिक इमेज यूनिक इमेज वेल डिफाइंड है हाँ जी सबका इमेज यूनिक है वेल well डिफाइंड है यूनिक यूनिक सो वॉट इफ एवरीथिंग इज गोइंग टू वन कोई फर्क नहीं पड़ता ये भी वेल well डिफाइंड है अब आते हैं वन मंथ पे बेटा वन मंथ वन मंथ क्या होता है आपको बताया था डिस्टिंट एलिमेंट्स की डिस्टिंट इमेजेस होनी चाहिए ये तो दो अलग अलग हैं ठीक है अलग अलग पे जा रहे हैं ये दो डिफरेंट एलिमेंट सेम पे जा रहे हैं तो दिस इज नॉट वन मंथ इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ये वन वन है हाँ जी ये तो हद हो गई यार है, तो लूट मार मचा यारूटमार यार नहीं हो पाएगा वन वन ऑन टू पे आइए ऑन टू का मतलब कोडोमेन खाली नहीं होना चाहिए कोडोमेन का को कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए सबके पास प्रीमेज होना चाहिए दिस हैज हैज अ अ प्रीमेज 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 नो गया ऑन टू हाँ जी इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता सब भरे हुए हैं इधर से भरे हैं उधर से भरे हैं यस सर 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 बच्चा क्या कहते हैं सर हाँ बेटा इसके पास चार चार प्रीमेजेस है अरे भाई उसने दू दूसरों की दुनिया डुबा के रख दी बर्बाद कर दिया दूसरों को इसके पास तो चार है दूसरों का क्या हाल किया सारा खाना खा गया वो अकेले तो ये ऑन टू नहीं हो सकता क्लियर हो बेटा चलिए आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है की कि किस फंक्शन को वेल well डिफाइंड कहते हैं किस फंक्शन को वन वन कहते हैं और किस फंक्शन को ऑन टू कहते हैं अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज सुन लीजिए आप सभी लोग तो क्योंकि थोड़ी देर में एक्चुअल वाला इन्वर्स आएगा मेरे बेटा वेल डिफाइंड होना वन वन होना और ऑन टू होना तो इसमें से सबसे जरूरी इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कीजिए एयर वाटर एंड फूड सही सुना आपने एयर वाटर एंड फूड सबसे जरूरी क्या है एयर ऐसे इन तीन कंसेप्ट में सबसे जरूरी है वेल डिफाइंड अ फंक्शन इज अ फंक्शन ओनली इफ इट इज वेल डिफाइंड वन वन होना ऑन टू होना बात की बात है समझ में आया बिना 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 एयर के वाटर फूड का कोई सेंस नहीं है बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं सेम ईयर बिना वेल well डिफाइंड के वन वन ऑन टू मीनिंगलेस मीनिंगलेस सही सुना मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो दिखाऊंगा अभी देखो ये देखने में लग रहा है वन वन ऑन टू है लेकिन एक्चुअल में ये वेल well डिफाइंड नहीं है तो इसका वन वन होना ऑन टू होना गया तो आदमी मर गया क्या खाना क्या पानी समझ रहे समझ रहे तो ये क्लियर कर लीजिएगा मतलब वेल डिफाइंड सबसे पहले होना चाहिए अच्छा जी अब आगे बढ़ो उसके पहले और दो तीन चार चीज़ें सुन लीजिए देखो बेटा अगर आप लोग कॉलेज में हैं, किसी किताब से पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल का फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन तो लिखा ही होता है मैथमेटिकली एक चीज और लिखी होती है ये भी चीज है जब जब एक्स वाई के बराबर है तब तब एफ एक्स एफ वाई के बराबर है अब मुझे पता है कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि उन्होंने यही पढ़ा है वो वेट ही कर रहे थे कि कब ये लिखूंगा या ये ये आया क्यों नहीं आपका कब आ गया है तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ गई सच कह रहा हूँ मैं तो बेटा ये बिगनर्स के लिए ये चीज़ सर आपके लिए है हमारे लिए के जो अच्छे लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इनको कल को रिसर्चर बनना है बेटा डायग्रामेटिकली ग्राफिकली ऐसे चली है और वो जो सर्कल वाला अप्रोच था वो तो गजब ही था सच कह रहा हूँ मैं बाकी वो तो जो ऊपर लिखा है वो तो है ही आगे देखो बिल्कुल इसी तरह वन वन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन है तो अगर आपने कॉलेज लेवल पे किया है तो ये लिखा जाता है जब जब एफ एक्स एफ वाई के बराबर है तब तब आपके पास एक्स और वाई इक्वल आने चाहिए अगेन वन वन ऐसे चेक किया जाता है नहीं तो डायग्रामेटिकली आपको समझा दिया गया अब आइए ऑन टू के ऊपर यस मीनिंग तो आपने क्लियर कर ही लिया अब एक दो चीजें मैं और बता देता हूँ बिलोंग्स टू y, देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स दैट वाई ठीक है मैं वैसे सारा समझा चुका हूँ बट फिर भी जरा से यहाँ बता देते हैं आपको डायग्राम खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं है बट अगर फंक्शन ऑन टू है ऑन टू तो यहाँ के हर एलिमेंट का प्रीमेज हर एलिमेंट का मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट वाई ले लीजिए जैसे कि यहाँ लिखा फोरिच सबके लिए हिंदी में तो यही होता सबके लिए यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्रीमेज चाहिए आपको तो ये प्रीमेज अगर एक्स है तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा आप देख सकते हैं मैं डायग्राम नहीं खराब कर सकता बहुत क्लासिकल चीज़ें हैं जो एक बार बच्चे को समझ में आ गई तो मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा ओके okay, अगेन आगे बढ़ने से पहले और 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 ज़रूरी टर्म्स हैं वो क्या हैं वो सुनिए आप सब लोगों ने वन वन पढ़ा है आप सब ने पढ़ा है फिर इंजेक्टिव बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव ये टर्म्स बड़ा परेशान करती है बच्चों को तो कर लो बेटा क्योंकि ये मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बना रहा हूं यहाँ मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं देखिए यस yes, यहाँ वन वन है इंजेक्टिव मैप मतलब वन वन होना और इंजेक्शन होना एक ही बात है ध्यान रखिएगा इसको चलिए आगे चलते हैं टू ऑन टू का मतलब चलिए ये भी हो गया यहाँ क्या है सर अब क्या लिखोगे वन वन भी लिख दिया ऑन टू भी लिख दिया बेटा कुछ चीजें अभी भी बची हुई हैं। वो देखिए जरा क्या है अगर आपको बोला जाता है बाइजेक्शन बाइजेक्शन हाँ सही सुना आपने है ना? By cycle, by means तो जहां आ गया बेटा, का मतलब one, one and onto साथ में। मैं फिर वही कहूंगा अच्छे से पॉज करके नोट्स वगैरह बना लेना सारी लाइफ काम आएंगे ये चीजें वन वन क्लियर हो गया ऑन टू क्लियर हो गया इंजेक्शन बाईजेक्शन सब सब क्लियर हो गया गुड नेक्स्ट अब आइए इस पर एग्जिस्टेंस ऑफ एफ एनवर्स जो सेकंड पॉइंट था जो सेकंड पॉइंट था उसमें इनवर्स इमेज ऑफ है सबसेट लिया था हमने हाँ सही सुना तब बच्चों के दिमाग में बड़ा अशांत हो गया बेचारों का दिमाग कि सर बिना वन वन ऑन टू के इनवर्स कैसे ले लिया फिर जब आप अंदर उतरे तो देखा यहाँ तो एफ एन का कहीं यूज ही नहीं हो रहा है तो खाली नोटेशन है यस अब आएगा एक्चुअल तो एग्जिस्टेंस ऑफ एफ एनवर्स कब होगा बेटा अगर एफ फंक्शन है एक्स टू आए और वो फंक्शन है वन वन और ऑन टू वन वन और ऑन टू तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एफ इनवर्स वाई टू एक्स सच दैट में क्या लिखोगे सर लिखना भूल गए होंगे यार और क्या वो तब लिखेंगे ना अभी याद आएगा देखिए बेटा पहले तो ये समझ लीजिए अगर एफ फंक्शन एक्स टू वाई ऐसे जा रहा है ऐसे एरो इनवर्स वाई टू एक्स होगा उल्टा जाएगा ठीक है ये तो आपको पता था एफ एक्स टू आए तो एफ इनवर्स वाई टू एक्स होगा बट कुछ प्रॉपर्टीज के साथ होगा सच दैट पहला प्रॉपर्टी एफ इनवर्स इज ऑल्सो वन वन एंड ऑन टू हाँ जी इनवर्स ऑफ वन वन ऑन टू इज वन वन ऑन टू इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन ये सही सुना नंबर टू ये बिहेव कैसे करता है एफ इनवर्स ए को अगर आपने बी लिख दिया बेटा इट इज इक्वल टू सेम ठीक है मेरे बेटा इतनी सारी चीजें हो गई हैं तो अभी के लिए बच्चों के लिए कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन वन वन ऑन टू होगा बिगनर को पीएचडी नहीं कराया जाता है अभी अभी बच्चा स्कूल में गया एकदम से पीएचडी करा दे वो संभव नहीं है तो कुछ क्लासेस के बाद में शायद नेक्स्ट क्लास में ही विद सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की गिवन फंक्शन है वन वन ऑन टू कैसे चेक, चेक करेंगे वो सारी चीजों के साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एफ इनवर्स के लिए वन वन होना ही काफी है ऑन टू होने की जरूरत भी नहीं है देखो देखो अभी घबराओ नहीं अभी के लिए ये ले लो अभी के लिए ये ले लो ठीक है तो आज मैंने मेरी क्लास को सिक्स पॉइंट्स में समेटा पहले पॉइंट में इमेज इनवर्स इमेज सॉरी फर्स्ट जो पॉइंट था होता है इमेज ऑफ एन एलिमेंट सेकेंड वॉज इमेज ऑफ अ सबसेट थर्ड वॉज इनवर्स इमेज ऑफ अ सबसेट मैं फिर भी फोर्सफुली कह रहा हूँ आप लोगों को बार बार वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट नोटेशन है बट दैट्स द वेट इज उसके लिए वन वन ऑन टू नहीं चाहिए बेटा उसके बाद फोर्थ पॉइंट में डोमेन को डोमिन रेंज फिफ्थ पॉइंट में वेल डिफाइंड मन वन ऑन टू जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक फंक्शन के साथ जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेल डिफाइंड ऑन टू समझना उसमें बहुत टाइम लगाया मैंने खूब अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा एंड लास्टली इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन जो प्रैक्टिकली होता है या कैसे एग्जिस्ट करते है, हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेन इनवर्स ये सब करेंगे हाँ जी एक्सपनेंशियल का इन्वर्स लॉग का इन्वर्स सबका बहुत सारी चीज़ें और कुछ एग्जाम के क्वेश्चन इसके साथ साथ ग्राफिकली इमेज कैसे देखते हैं ग्राफिकली इन्वर्स इमेज कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ें आएंगी ये लेक्चर अगर आपने अच्छे से कर लिया ये मतलब बिल्कुल जैसे क्लासरूम टीचिंग होती है ना बेटा आपको लगेगा ही नहीं आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आपको लगेगा सामने खड़ो होकर पढ़ा रहा हूँ चलिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक्स फॉर कमिंग थैंक यू